नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मुरादाबाद में भाजपा नेता की हत्या से हड़कंप मच गया। बता दें, भाजपा नेता की हत्या से उनके गांव में मातम छा गया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता का तिगरी धाम में अंतिम संस्कार होना है। वही मृतक की मां ने तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने गोली मारकर भाजपा नेता की हत्या की है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा बेटा है, मेरा एक ही बेटा है अनुज। चुनाव लड़ रहा था ये, तो पिछले उससे पहले लड़ा था तो 300-400 कैंसिल हो गया था कुछ चुनाव वोटों से। फिर जो पिछले साल जो डेट हट गई थी, तो अब जो डेट आ रही थी, अब विश्वास पत्र भी शायद इस बार भी आया है, तो इनसे ही थी बस। हाँ, 25 से तैयारी शुरू थी इसकी, तो यही था बस। ये बस हमारे उसके लड़के की किसी से दुश्मनी नहीं थी, बस भालपुर और उनसे ही थी। भूरा है देखो, मोहित का भैया अमित, और ये प्रभा करके हैं, बस यही थी। और हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, तो हमारी दुश्मनी तो लड़के की इनसे ही थी बस। हमें तो शाम को पता चला था कि चोट लग गई, चोट की बस। अमरोहा में भाकी उचकैद गुट ने ट्रैक्टर रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें, अमरोहा के गांव कुबी से कलेक्ट्रेट तक 1000 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ भाकियों ने रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम कर दी। वहीं इस रैली से सड़क पर भयंकर जाम लग गया, जहां ट्रैफिक पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई और ट्रैफिक पुलिस रैली की सूचना मिलने के बाद भी सचेत नहीं हुआ। अयोध्या में अनियंत्रित थार गाड़ी ने हंगामा मचा दिया। पूरा मामला अयोध्या के सुभाष नगर मार्ग का है, जहां अनियंत्रित थार सड़क पर कई वाहनों को टक्कर मारती रही, जिसमें दो मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं आखिर में थार गाड़ी में सवार दो लोग उसे छोड़कर भाग निकले। बता दें, पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और अनियंत्रित वाहन को भी कब्जे में लिया। पास से डिजायर को मारा उसने, फिर उसके बाद बैटरी रिक्शा को, फिर उसके बाद यहां आकर के राउंड ऐसे घूम करके यहीं आकर लड़के और दोनों निकल के भाग गए। अब एक बाइक वाले को कचरा है उसने, बाइक वाला तो कूद गया, वो बच गया, और उसके बाद ये बैटरी रिक्शा में तीन लोग थे, वो तीनों घायल हो गए, और उसके बाद यहाँ पर जो है घूम गई गाड़ी लड़के। नहीं, हम नहीं जानते, हम तो रहते थे हम रास्ते में। अब उसके बाद भीड़ लग गई, अब चोट लगी बैटरी रिक्शा वाले को, ज्यादा चोट लगी है। अब हमारे सामने तो तीन लोग हैं, अब पता नहीं ये सब। अयोध्या में नौकरी के फर्जी नियुक्ति पत्र देने का मामला सामने आया। पूरा मामला अयोध्या के रुदौली का है, जहां बेरोजगार युवक को सरकारी रोजगार मेले में फर्जी नियुक्ति पत्र मिला, जिसे खुद बीजेपी के विधायक रामचंद्र यादव ने अपने हाथों से दिया। बता दें, एसडीएम रुदौली की मौजूदगी में युवक को पत्र दिया गया, जिसका बकायदा फोटो सेशन भी हुआ। पीड़ित युवक का ये भी आरोप है कि उसमें फर्जी नियुक्ति पत्र के एवज में 8200 रूपए भी ऐठे गए हैं। मामला ये है कि 8 अगस्त 2023 को संज्ञान में आया कि विशाल सोनी नाम का एक स्टूडेंट, जो कि 21 जून 2023 को रुदौली में हुए रोजगार मेले में प्रतिभाग किए थे, और उनका चयन मैनकाइंड हेल्थ केयर सर्विसेज नाम की कंपनी में हुआ था। और ये प्रकरण आया है कि इनसे जो है 8000 कुछ रुपये जो है चार्ज किया गया कंपनी के द्वारा, और बुलाया गया जिस जगह पर वहाँ पर फिलहाल कंपनी नहीं थी। तो मामला उन्होंने जो है रुदौली एसडीएम को हैंडओवर करके वहाँ पे जा करके अप्रोच करके उनसे शिकायत दर्ज करवाए हैं, और यही प्रकरण था। और जैसे सूचना हमको मिली है, तो हमारे यहाँ से भी जो है कंपनी को भी लेटर भेजा गया कि आखिर आपने जो है ऐसा क्यों किया है, उसको स्पष्टीकरण के लिए। दूसरी बात, निदेशालय स्तर पर भी जो है हमने लेटर भेज दिया है कि जो भी कंपनी है उसके बारे में सूचना और वेरिफिकेशन के बारे में, और साथ ही अभी जल्द ही एसडीएम और डीएम साहब को भी जो हमने सूचित करके और जो भी उचित कार्रवाई है उस पे हम लोग जो है। बांदा में स्कूलों तक जाने वाले रास्ते के हाल बेहाल नजर आए। पूरा मामला बांदा पहलानी तहसील के खपटिया गांव का है, जहां स्कूल तक जाने वाले रास्ते में जलभराव और कीचड़ से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें, स्कूल मार्ग महीने भर से जललीन है, जिससे छात्र लंबे वक्त से परेशान है। बरेली में अनियंत्रित ट्रक ने कार और बाइक सवार को रौंद दिया। पूरा मामला बरेली के बड़ा बाईपास स्थित नवेदिया झादा चौराहे का है, जहां गाड़ियों की टक्कर से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। वहीं बताया जा रहा है कि हादसे में कार सवार युवक नगर निगम में जेई था। हादसे में दो बाइक सवार भी घायल हुए। बता दें, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
गाजियाबाद में लिफ्ट खराब होने से दो बुजुर्ग और बच्चे फंस गए। पूरा मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की चाम्स कैंसल सोसाइटी का है, जहां अचानक लिफ्ट खराब होने से आधे घंटे तक दो बच्चे और दो बुजुर्ग फंसे रहे। वहीं इंटरकॉम काम नहीं करने पर लोगों ने लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर लकड़ी की सीढ़ी लगाकर सभी को बाहर निकाला, जहां लोगों को बिल्डर के खिलाफ गुस्सा भी भड़क उठा। हरदोई में पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी की हत्या कर दी। पूरा मामला पसनामो गांव हरदोई का है, जहां पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जला दिया, जिसके इलाज के दौरान ही मौत हो गई। बताया जा रहा है दोनों की शादी को 20 साल पूरे हो चुके थे। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरी बहन पसनामो ग्राम थाना हरदोई में गई थी। आज के 15 दिन पहले मेरी बहन को इसने 24 पे मारा, टूटा, फिर ये कहने लगा डाल के पेट्रोल जला देंगे हम। फिर उसके बाद में भूतपूर्व प्रधान ये सब लोग गए मेरे घर, फिर कहने लगे पूरी जिम्मेदारी हमारी, हम लोगों ने भेज दिया। उसके बाद में ये आवाज में ये आए दिन लड़ाई, आए दिन बीच चौराहे पे गिरा गिरा के बीच चवार पशुओं में मारता घूमता रहा, जब बिलबिला के मेरी बहन को। कानपुर में धर्मांतरण के आरोप में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पूरा मामला कानपुर के कोहना थाने का है, जहां ईसाई धर्म के लोग दो द्वारा धर्मांतरण का आरोप लगा है, इसको लेकर बजरंग दल ने हंगामा किया। बजरंग दल का आरोप है कि कई लोगों को पैसे की लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जो बाहर से आए पादरी कर रहे हैं। वही कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में लिया और मामले की कार्रवाई में जुट गई। देखिए ये थाना कोहना क्षेत्र के मनीपुरवा गांव के पास एक प्रकरण आया है। इसमें ये है कि कुछ स्थानीय महिलाओं द्वारा धर्म परिवर्तन की बात की गई है, जिसमें कि ये बताया गया है कि ईसाई धर्म के कुछ लोग जो है आकर के और उन लोगों ने जो है प्रलोभन दे करके वहां पर स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन के लिए उनको प्रलोभन दिया है। इस संबंध में एक तहरीरी सूचना जो है वो थाने पर प्राप्त हुई है और तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग जो है वो पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से हम लोग। घटना भैया ये है कि आज 4-5 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। इन लोग कहते हैं हमसे 10-10 हजार रुपया ले लो, मेरे मीटिंग में शामिल हो जाओ, मगर हम लोग क्यों अपने भगवान को छोड़ दे। और रोज सुबह 5 बजे रात के 12 बजे कहीं ढोलक बजती है, कहीं मंजीरा बजता है, रातों दिन चैन से जीने नहीं दे रहे। सुबह बच्चे स्कूल जाते प्रभु यीशु खा जाएंगे चबा जाएंगे, ये सब इनको करना चाहिए। और हमारे ससुर एक दिन पहले इनके मीटिंग में शामिल हुए, दूसरे दिन दोपहर में मेरे ससुर खत्म हो गए। तब से हम लोग इतनी नफरत इन लोग से करने लगे, मगर इन लोग समझते नहीं, वही गाली गलौज हैं। क्रिश्चियन वाले कहते हैं मेरे मीटिंग में शामिल हो जाए, आप लोगों को 10-10 हजार रुपए देंगे, तो क्यों शामिल हो जाए हम लोग। अरे भैया ये साल भर से हो रहा है, ये हमारे मनीपुरवा लगता है। और मेरे बगल के जो है बड़ी सास जो मनीषा है वो बड़ी सास की लड़की है, और जो उमा देवी वो हमारे चचिया सास है। अभी क्षेत्रीय लोगों से जानकारी आई है कि एक ईसाइयों की सभा चल रही थी, जिसमें उनको मोहल्ले के लोगों को कई बार प्रलोभन दिया गया, मोहल्ले के लोगों को कई बार बुलाया गया कि उन सभाओं में आया जाए और उन सभाओं में हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर या लालच देकर उनको हिंदू से ईसाई बनाने का काम किया जाता है। उन्हीं सभाओं की अभी जानकारी आई तो बजरंग दल कार्यकर्ता सभी मौके पर पहुंचे, और जब पहुंचे तो वहां पर उनका पूरा यीशु मसीह और सब सजा हुआ था। कई भोले वाले हिंदू बैठे हुए थे और कई वहां पर अभी रिसेंटली जो 1 या 2 साल के अंदर अपना जो है धर्म परिवर्तन किया वैसे बैठे हुए थे। उनसे जानकारी की, उनकी कई आपत्तिजनक चीज़ें मिली, जिसमें हिंदू विरोधी चीज़ें लिखी हुई थी, धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें लिखी हुई थी, वो सभी लेके अभी। कानपुर में हुक्का बार में नाबालिग लड़के लड़कियां पकड़े गए। पूरा मामला कानपुर के स्वरूप नगर का है, जहां सुबह सुबह हुक्का बार में नाबालिग लड़के और लड़कियां पकड़े गए। शहर में जमकर हुक्के का कारोबार पनप रहा है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान से छापा मारने का फायदा नहीं है। लखीमपुर में दो नाबालिग बहनों के रेप केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया। पूरा मामला लखीमपुर के गांव तमेलपुरवा का है, जहां कुछ समय पहले दो दलित नाबालिग बहनों का शव पेड़ से लटकता मिला, जिनका रेप हुआ। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया और एसआईटी की जांच के लिए मामला सौंपा गया, जिस पर आज फर्स्ट ट्रैक कोर्ट फैसला सुनाएगा। सीतापुर में शिक्षा मंत्री के संगठनों ने बैठक का आयोजन किया। बता दें सीतापुर हर गांव के शिक्षा मंत्री सदन में शिक्षा मंत्री के मानदेय संबंध में दिए गए बयान पर चिंता जताई गई और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह द्वारा दिए गए बयान पर रोष जताया। वहीं शिक्षा मंत्री ने सदन में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने से इनकार कर दिया। बता दें बैठक में तमाम आला अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे।
अमरोहा में ट्रैवल संचालक के खिलाफ महिलाओं ने हल्ला बोल दिया। बता दें महिला डॉक्टर ने ट्रैवल संचालक पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद एसपी ऑफिस के सामने महिलाओं ने हंगामा किया और पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गई। बताया जा रहा है कि महिला और संचालक में पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। वहीं महिला ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का भी आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस महिलाओं को शांत कराने में जुटी है। अयोध्या में मिस्त्री के प्यार में औरत पति को छोड़कर फरार हो गया। पूरा मामला अयोध्या के हयात नगर का है, जहां मकान बनाने वाले मिस्त्री को औरत को प्यार हो गया और औरत पति को छोड़कर भाग गई। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि औरत पति की मोटरसाइकिल और जेवर और नगद लेकर भागी है। हालांकि मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और औरत की तलाश में जुटी है। हमीरपुर में विधायक की पत्नी का स्कूल न जाने का मामला सामने आया। दरअसल हमीरपुर विधायक मनोज प्रजापति की पत्नी उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है, जो कई समय से स्कूल नहीं पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि विधायक की पत्नी कभी कभी विद्यालय जाती है, उन्होंने अपने स्थान पर किसी दूसरे को लगाया है। बता दें ये पूरी सूचना सुमेरपुर के एक व्यक्ति ने फेसबुक पर वायरल की और मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत दी। हरदोई में कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और नेताओं ने घड़ियाल बजाकर प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें पोल्ट्री फार्म को बंद किए जाने की मांग की गई। दरअसल फैक्ट्री की से निकली गंदगी से 50 गांव में मक्खियों की आमद से लोग परेशान है। वही सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया पूरे मामले की एक कमेटी बनाकर मामले में कार्रवाई की जा रही है। मकसद है कि सोते हुए प्रशासन को जगाना है। वहाँ प्रशासन जिसे 50,000 आबादी की तकलीफ नहीं दिख रही, आप देख रहे हो सांगवान पोल्ट्री फार्म जो डही कुइयां गांव में स्थित है, उस पोल्ट्री फार्म की गंदगी, मल और मरी हुई मुर्गियों, सड़े हुए अंडों के मलबे की वजह से लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा गांव की आबादी मक्खियों के प्रकोप से त्रस्त है। लगातार आज हमारा 5वें दिन प्रदर्शन है। किसान संगठन भी कहीं टंकी पर चढ़ रहे हैं, कहीं चक्का जाम कर रहे हैं, कहीं ज्ञापन दे रहे हैं, और सरकार पोल्ट्री फार्म जो है उस पर कार्रवाई करने के बजाय उनको बचा रही है और किसानों की, जनता की। जनपद हरदोई में आज एक कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आया था, जिन्होंने एक गांव में जहां मुर्गी पालन के फार्म हाउस को लेकर के विवाद है, वहां काफ़ी दिन से मक्खियां इत्यादि आ रही, जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है। पिछले दिनों इसमें कुछ कृषक बंधुओं ने भी पानी टंकी चढ़ के प्रदर्शन किया था, तो प्रकरण प्रशासन के संज्ञान में है। इसमें कुछ स्तरीय समिति गठित करके जाँच करते हुए हरदोई में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया, जिसके तहत कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पंच प्रण की शपथ दिलाई, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही गई, जिसकी शपथ सभी अधिकारी कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों ने दीपक हाथ में लेकर ली। बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर मेरी माटी मेरा देश का आयोजन चल रहा है। हम सभी लोग मेरी माटी मेरा देश अभियान और कार्यक्रम के तहत 5 प्रकार के प्रमुख कार्यक्रम जनपद में आयोजित करा रहे हैं। सबसे पहला है शिला फलकम की स्थापना। इसके तहत जनपद के सभी विद्यालयों में शिला पट स्थापित किया जाना है और ये कार्य प्रारंभ हो चुका है 9 अगस्त से, यानी कल से। इस कार्यक्रम के तहत जितने भी हमारे विद्यालय हैं वहाँ शिला फलकम की स्थापना हो रही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है और उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर सपूतों का उल्लेख है, जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हमारा यह देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। दूसरा है पंचप्रण की शपथ, जिसको आज हम सभी लोगों ने यहाँ लिया। तीसरा है वसुधा बंधन, इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में एक अमृत वाटिका। हरदोई में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पूरा मामला हमीरपुर के हरपालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव हुआ। वही पथराव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस के सामने कुछ महिलाएं पुलिस की मौजूदगी में पथराव कर रही हैं। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना हरपालपुर में ग्राम पलिया है, वहाँ पे दो पक्षों में दीवार बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था और जिसका वीडियो वायरल हुआ है। इसमें NCR दर्ज करके और इसमें 151 की कार्रवाई की गई है। उनका मेडिकल भी कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे अगर चोटें ज्यादा होंगी तो उचित। हरदोई में AVP के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें हरदोई में AVP के कार्यकर्ताओं ने न्याय यात्रा निकालकर छात्रों की समस्याओं को दूर करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने 27 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और डीएम के न पहुंचने पर कुछ देर बाद अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन वापस लौट गए।
इससे पहले 7 दिनों से DM साहब को ज्ञापन दिया गया था, उसके लिए हम लोग उसमें दिन लग गया था। 7 दिन में अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती उस पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो आज टाइम दिया गया था वो आज हम लोगों का हो चुका था, इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने आज आंदोलन के रूम में DM को ज्ञापन दिया है। DM साहब को उसमें जो बिंदु थे एग्री कल्चर का अपना विद्यालय जो बंद लगातार ज्ञापन हो रहा है, कोई भी अभी सुविधा उसमें नहीं मिल पा रही है। जो LU से रिलेटेड विद्यालय अभी अटैच हुए हैं उनमें कोई भी कक्षाएं नहीं लग रही हैं। जो अवैध कोचिंग है उनके ऊपर ज्ञापन दिया गया, 50 कोचिंग रजिस्टर्ड हैं और 950 कोचिंग है। हरदोई जनपद में अवैध रूप से चल रही हैं सरकारी शिक्षक हैं जो भी वो लोग अवैध कोचिंग खोल के छात्रों को परेशान कर रहे हैं नंबर के लिए। कानपुर के कमिश्नरेट में वर्चुअल कोर्ट रैली को शुरू किया गया। बता दें ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी ने वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ किया, जिसकी शुरुआत के नौबस्ता SP कार्यालय से हुई। वहीं बाकी थाना सर्कल से भी वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की जाएगी, जिससे पुलिस अधिकारियों का समय भी बचेगा और जमानत के काम तेजी से होंगे। पसमांदा कार्यालय में काला दिवस का आयोजन किया गया, जहां पसमांदा मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम रायनी, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हाजी नसीम अहमद शामिल रहे। इस दौरान पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुसलमानों के आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछली कुछ केंद्र सरकारों की अनदेखी के चलते दलित मुसलमान भुखमरी के कगार पर है और इनके पुश्तैनी धंधे और कारोबार समाप्त हो गए हैं। संविधान की धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत 1936 से 1950 तक दलित मुसलमानों को हिंदू दलितों के बराबर सभी क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ मिलता था, जिसमें 4 धर्म के लोग थे, ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध। इन चारों लोगों को हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन सरकार ने धारा 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकते, और उस पर प्रेसिडेंशियल आर्डर एक पास करा करके और इसको प्रतिबंधित कर दिया। जबकि कानून में कोई बदलाव होता है तो 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। इनको बिल लाना चाहिए था, ये बिल नहीं लाए और इन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया राष्ट्रपति द्वारा एक गैर संवैधानिक अध्यादेश जारी करके और हम 4 धर्म के लोगों पर को प्रतिबंधित कर दिया। 1900 सिखों ने जब तमाम धरना प्रदर्शन किए, डिमांड किया, तो सरकार ने 1956 को सिखों को बहाल कर दिया, उनको हिंदू दलितों बराबर आरक्षण मिलने लगा। 1990 में बौद्धों को भी हिंदू दलितों बराबर आरक्षण का लाभ मिलने लगा। ईसाई और मुसलमान अभी तक इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहा है, इसीलिए मैं पिछले 15 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा हूँ धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत दलित मुसलमानों को भी हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जो संविधान में निहित है। संवैधानिक महोबा में किसान यूनियन ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बता दें 5 सूत्रीय मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने फसलों के बीमा प्रीमियम राशि के भुगतान न किए जाने पर चारपाई पर बैठकर नाराजगी जताई। किसान संगठन और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक भी जारी है। सहारनपुर में पुलिस ने 4 घंटे के अंदर बाइक लूट की घटना को खुलासा किया। पूरा मामला सहारनपुर के नाकुड़ थाना क्षेत्र का है, जहां एक बाइक लूट का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटों में पुलिस ने बाइक लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया। आज 11:30 बजे चेकिंग के दौरान थाना नाकुड़ पुलिस ने 2 अभियुक्त पकड़े हैं, जिनके पास से जिनकी निशानदेही पर एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो कि 24 जुलाई पिछले महीने थाना नाकुड़ से ही चोरी की गई थी। और जो मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान पकड़ी गई है, यह पिछले महीने ही कुतुबशेर थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी, जो इसकी आज ये फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो जो भी 2 अभियुक्त थे, इनके पास से 2 मोटरसाइकिल चोरी की आज बरामद की गई है, और जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। क्या पूर्व में भी कुछ इस तरह के घटनाओं को जी इनके आपराधिक इतिहास की अभी जांच की जा रही है, शीघ्र इस पे भी आवश्यक।
सीतापुर में स्कूल के पुराने काम को दिखवाकर गांव सरपंच ने पैसे वसूले। पूरा मामला सीतापुर के हर गांव विकास क्षेत्र का है, जहां गांव सरपंच ने गांव के प्राथमिक विद्यालय की पुरानी हालत दिखाकर प्रशासन से 13 लाख रुपए निकलवाए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही शिकायतकर्ताओं ने डीपीआरओ सहित डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा और मामले की कार्रवाई करने की मांग की। सीतापुर में नौकरी का झांसा देकर लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। बता दें, पुलिस ने गोंडा, सीतापुर और श्वेता थाना से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपियों का गिरोह डिफेंस में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की रकम वसूल रहे थे। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से 50,000 रुपए और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। इटावा के मोहल्ला छापेटी में बीती रात हजारी महादेव मंदिर में एक विशेष समुदाय के बीच झगड़ा हो गया। पास में ही उर्दू कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम चल रहा था। बता दें, विवाद काफी बढ़ गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दूसरे समुदाय के लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस घटना की खबर वरिष्ठ समाजसेवी कमांडर अर्जुन सिंह तक पहुंची, जिन्होंने मामले में फौरन दखल देते हुए शिकायत की और लोगों को तुरंत आला अधिकारियों से शिकायत की। कमांडर अर्जुन सिंह ने दूसरे समुदाय को जेल से छुड़वाया, मुसलमान भाइयों को जेल से छुड़वाया और आप अपने सभी लोगों का मुकदमा वापस करवाया। मैं ये बताना चाहता हूँ, 1970 की बात है, हजारी महादेव गोंडा छपेटी में एक प्रोग्राम था, सन्नों का दिन था, वहाँ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। रात के लगभग 12 बजे थे, उस वक्त आपस में झगड़ा हो गया। उन लोगों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, काफ़ी लोगों की चोटें आई। उसके बाद मंदिर को भी नुकसान पहुँचा बहुत ज़्यादा, चूँकि हम लोगों के और हमारे भाइयों के हजारी महादेव के मंदिर के पास ही मकान लगे हुए थे, लिहाजा कुछ लोगों ने वो हमारा और हमारे भाइयों का नाम लिखवा दिया पुलिस में जाके। रात के लगभग 1 बजे हम लोग सो रहे थे घर पे, हम लोगों को पुलिस 3-4 भाइयों को लेके बंद कर दिया। करने के बाद में इसके बाद माहौल बहुत ख़राब हो गया वहाँ पर। उसके बाद अर्जुन सिंह भदौरिया जो थे वरिष्ठ नेता और बहुत हर जात और धर्म के लोगों की इज्जत करने वाले, उनको पता चला कि इन मुसलमान भाइयों को नाजायज तरीके से जेल में बंद किया गया है। वो जिस वक्त हमारे घर पर आए तो उसके बाद में काफ़ी लोगों ने उनको भेज दिया हिंदू भाइयों ने, और उन्होंने मना करा कि आप यहाँ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा हम ज़रूर मिलने के लिए जाएंगे, और मिलने के बाद में उन्होंने ज़्यादा रोका तो बैठ गए। उन्होंने कहा अर्जुन सिंह भदौरिया को बताता नहीं कि घोल के पी जाओ, हम उनसे जरूर मिलेंगे। और वो फिर हम लोगों से हमारे जो गुरु थे बुजुर्ग थे उनसे मिले, मिलने के बाद में सारी स्थिति उन्हें बताई कि हम लोगों की कोई गलती नहीं, हमारे बच्चे सब हो रहे थे और पुलिस आके उठा ली गई और जेल में बंद कर दिया। लिहाजा अर्जुन सिंह भदौरिया ने फिर उसमें पहल की और हकीकत जानी, उन्होंने मालूम किया कि इन भाइयों की कोई गलती नहीं है। उसके बाद में वहाँ बैठ कर दूसरे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।